तो हाँ जी दोस्तों, आ चुका है कौन वीडियो के साथ। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस टाइप का टेक्स्ट कैसे बना सकते हो। ये टेक्स्ट देखने में तो काफी ज्यादा कूल लगता है, एंड ये टेक्स्ट जितना कूल लगता है उतना ये अभी फ्री फायर कम्युनिटी में ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। यस, एंड आपको इसको मैं जस्ट 2 मिनट में बनाना सिखाऊंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो फटाफट से लाइट मोशन ओपन कर लो एंड आ जाओ। तो ऑल राइट दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे लाइट मोशन ओपन कर लिया एंड अपनी वीडियो को भी ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना। देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपने चैनल का नेम या फिर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो उसको लिख लेना, ठीक है। देन उसके बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। देन आपको यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, अगर इनमें से कोई पसंद आता है तो यूज कर सकते हो, बट अगर नहीं पसंद आता है तो बाहर से भी फॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखने वाला काम डन हो चुका है। देन वापस से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना एंड सबसे पहले ही आपको यहाँ पे सेव ऑल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अब यहाँ पे बहुत से बंदों को ये लगता है जो स्टार्टिंग में 5-6 शेप्स दिखा रहे हैं इतने ही शेप्स हैं, बट नहीं, अगर आप इसको आगे स्क्रॉल करते हो ना तो आपको काफी सारे यहाँ पे शेप्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसको आप अपनी वीडियो के इमोशंस के भी हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी एटीट्यूड टाइप की है तो यहाँ पे ये फायर वाले शेप का भी यूज कर सकते हो, एंड अगर लव टाइप की वीडियो तो यहाँ पे ये हार्ट वाला शेप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे फायर वाले शेप का यूज करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपनी इसको वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, सो मैं फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड अब जो इसके आगे वाला प्रोसेस होने वाला, आप इन दोनों लेयर को ग्रुप करके भी कर सकते हो, बट मैं जो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करूंगा। एंड मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद टॉप से फर्स्ट लेयर पहना, आपको बॉर्डर शैडो देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना। देन यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में चले जाना, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे शैडो को इनेबल कर देना। एंड जो साइज मिलेगा उसको आपको 10-15 के बीच में रख देना, एंड नीचे स्क्रॉल करना। देन आपको पोजीशन देखने को मिलेगा, एंड उसको आपको एक्स को भी 10-15 के बीच में रखना, एंड वाई को भी 10-15 के बीच में रख लेना, ठीक है। एंड जो ऊपर वाले लेयर की सेटिंग रखोगे वही जस्ट आपको नीचे वाले लेयर पे भी सेम सेटिंग को अप्लाई कर देना, ठीक है। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। एंड उसके बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करना। देन यहाँ पे एक इफेक्ट सर्च कर लेना, डिस्प्लेसमेंट मैप। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने इन दोनों लेयर्स को ग्रुप में क्यों नहीं ऐड किया था। अब देखो, हमारी जो मोस्टली नूब टू प्रो एडिट होती है वो हमारी कलेक्शन में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। एंड कलेक्शन के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो काफी ज्यादा डार्क होता है, जिसके कारण हमारे वीडियो में कुछ ऐसा पार्ट आएगा कि हमारा जहाँ पे टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो रहा होगा बट हमारा इमोजी जो है अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट अपन उसको विजिबल करा सकते हैं की फ्रेमिंग के थ्रू, ठीक है। एंड अगर अपन दोनों लेयर को ग्रुप डाउन कर देते हैं देन उसको की फ्रेमिंग के थ्रू विजिबल कराने की कोशिश करते तो ऐसा होता है कि हमारा इमोजी जो है वो तो अच्छे से विजिबल होने लगता, हमारा टेक्स्ट जो होता है वो अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता। आई होप सो आप समझ गए जो मैं बोलना चाहता हूँ। अगर नहीं समझो तो एक बार खुद से ट्राई करना, देन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट मैप पे क्लिक करना है। अब आपको इसको जो सेटिंग अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं वाई पे जाऊंगा, देन इसको यहाँ पे जो है मैं लगभग 500 करके चेक कर लेता हूँ। इसको आप जो है अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मैं फटाफट से दोनों एक्स एंड वाई को चेक कर लेता हूँ। तो ऑल राइट, जैसे कि आप सभी देख सकते हो मैंने आपको बोला था कि आपके वीडियो में एक ऐसा पार्ट आएगा कि आपका इमोजी या फिर टेक्स्ट है जो अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो है इमोजी अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बीट मार्क ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इफेक्टिव में रहना, इफेक्ट से बाहर मत जाना, स्टार्टिंग में चल जाना, एक की फ्रेम ऐड कर देना। देन उसके बाद जहाँ पे मार्किंग की थी वहाँ पे वापस आ जाना, देन की फ्रेम पे वापस से क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर देना। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई सेटिंग को चेंज करना, ठीक है। एंड जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ मेरा टेक्स्ट या फिर इमोजी जो है अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, तब तक आपको सेटिंग्स को चेंज कर करके देखते रहना। एंड जब आपको लगे कि हाँ ये अब अच्छा लग रहा है तो आपको उसको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। एंड अगर आपको फिर से आगे लगता है कि हाँ मेरा यहाँ पे इमोजी या टेक्स्ट अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा तो वापस से की फ्रेम पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर देना। एंड उसके बाद वापस से सेटिंग्स को चेंज कर देना, ठीक है। एंड इसी तरह आपको जहां जहां आपकी वीडियो में लगता है कि हाँ अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा तो वहीं पे आपको ये सेम प्रोसेस को अप्लाई कर देना, ठीक है। देन उसके बाद आपको इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना एंड नीचे वाले लेयर में जाकर पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद अगर नीचे वाले लेयर में भी ऐसा लगता है कि हाँ कहीं विजिबल नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी जाकर की फ्रेम के थ्रू सेटिंग को जाकर चेंज कर देना, ठीक है। देन इतना ही करते तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांजिशन जो है डन हो जाता है। एंड इसको पर आप जो है एक अच्छी सी सीसी ऐड कर लेना ताकि और भी प्रीमियम लुक दे, ठीक है। एंड ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर से बताना। अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप फ्यूचर में ऐसे मजेदार वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय भाई लोग।